लेट अस सी की बात कर रहे हैं, सी प्रोग्रामिंग, लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, फॉर लूप, बहुत इंपॉर्टेंट लूप है ये। और क्यों हम फॉर ज्यादा यूज करते हैं, क्या इसमें फॉर में फायदे नुकसान है, व्हाइल और इसमें क्या डिफरेंस है। तो फॉर हम एक ही लाइन में जो व्हाइल में तीन चीजें लिखते थे, पहला इनिशियलाइजेशन होता था, फिर उसके बाद हम काउंटर लगाते थे यानी काउंटिंग करते थे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और उसके बाद हम चेकिंग कंडीशन लगाते थे। ये तीनों चीज हम फॉर में एक ही लाइन में लिख सकते हैं, यानी कि हम फॉर में लूप काउंटर इनिशियलाइज कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं, क्या हम उस जगह पहुंच गए, उस सिचुएशन में पहुंच गए कि हमें बाहर आना है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हैं, हम फॉर में एक साथ कर सकते हैं। यानी जनरल फॉर्म अगर हम फॉर लूप का देखें तो ये फॉर लूप है, इसमें यहां पर इनिशियलाइजेशन काउंटर है, यहां पर आप इनिशियलाइजेशन करेंगे, दो सेमीकॉलन होते हैं इसके बीच में, एक ये दो, और राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है ये। तो इनिशियलाइजेशन काउंटर हो गया, यहाँ टेस्ट करेंगे कंडीशन को और यहाँ पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट देंगे, उसके बाद आपको जो चीज करनी है वो आप यहाँ ब्रेसेस के अंदर देंगे। एक सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम लिखते हैं जो व्हाइल के हिसाब से लिखा गया था। अगर आपने व्हाइल वाला डिस्कशन देखा है तो आप फॉर का देखिए, फॉर के हिसाब से हम इसका, पहले तो हम फ्लो चार्ट पे जाएंगे। फ्लो चार्ट बनाने से फायदा यह होता है कि प्रोग्राम आसानी से बन जाता है। स्टार्ट करेंगे, काउंटर हम यहाँ पर वन देंगे, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन कर रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि काउंट लेस देन इक्वल टू तीन है कि नहीं, राइट। अगर ये है तो हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें काउंट वन करते हैं और यहां पर चेक करते हैं कि काउंट लेस देन थ्री है कि नहीं, इन दोनों को चेक करते हैं। उसके बाद हम इनपुट कराएंगे, ये पी एन आर यानी कि सिंपल इंटरेस्ट पी इंटू आर एन इंटू आर या पी आर टी बाय 100 करेंगे, प्रिंट करा देंगे सिंपल इंटरेस्ट को, फिर यहां पर जाएंगे। अब जब हम जाएंगे तो यहां नहीं जाएंगे, हम काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन यानी कि काउंट लेस देन थ्री चेक करेंगे, मतलब इस सिचुएशन में, पहली सिचुएशन में यू जाएंगे या इस सिचुएशन में यू जाएंगे, नो। कैसे सिचुएशन में जाते हैं इसको अभी मैं बताता हूं आपको। ये कोई ऐसा नहीं है, आपके पास तीनों चीजें एक लाइन में है, काम वैसे ही हो रहा है जैसे व्हाइल में या डू व्हाइल में होगा। तो इस प्रोग्राम को देखिएगा, हमें सिंपल इंटरेस्ट कंप्यूट करना है और तीन आपके पास सेट है इंटरेस्ट ऑफ फॉर थ्री सेट्स, तो पी इंटू एन टू इन इंटू आर, तो तीन बार हम इसको चलाना चाहते हैं। हम क्या करेंगे, फॉर का लूप यूज करेंगे, इंटीजर में पी एन और काउंट दे दिया, फ्लोट में हमने आर और सिंपल इंटरेस्ट दे दिया। काउंट हमारा वन है, यहां ये इसे कहते हैं इनिशियलाइजेशन, ये हमारा चेकिंग है काउंट लेस देन इक्वल टू थ्री और काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन। सबसे पहले काउंट वन है और ये चेक होगा काउंट लेस देन थ्री है कि नहीं, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाएंगे, पी एन आर लेंगे, स्कैन करेंगे, कंप्यूट करेंगे, प्रिंट करेंगे, फिर ऊपर जाएंगे। अब इसको भूल जाएंगे, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन हो चुका है, चेक करेंगे कि जो वन था वो टू, टू लेस देन इक्वल टू थ्री है कि नहीं, लेस देन इक्वल टू थ्री है। आगे बढ़ जाएंगे, फिर से चलेंगे, उसके बाद हम जैसे मैंने कहा इसको हम पहली बार के लिए याद रखेंगे, बाकी भूल जाएंगे। फिर काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन फिर से होगा, यानी कि थ्री लेस देन इक्वल टू थ्री करेंगे, ये सत्य हो गया, इसका मतलब आप इसके बाहर आ जाएंगे। ये अभी अभी और अंदर जाएंगे, चार पे एक यहां पर जाएंगे, फिर चार पे हम बाहर आ जाएंगे, यानी कि पहली बार ये सिचुएशन होगी, अगली बार में हम ये करते रहेंगे और इससे चेक कराते रहेंगे। तो यहां पर इनिशियलाइजेशन फॉर में जो फॉर स्टेटमेंट है, जब पहली बार ये एग्जीक्यूट होगा तो काउंट को हमने इनिशियल वैल्यू सेट कर दिया। अब जो काउंट लेस देन इक्वल टू थ्री है, ये कंडीशन बार बार चेक हो रही है, क्योंकि काउंट वन है तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, हम अंदर घुस जाएंगे। उसके बाद हम उसको छोड़ देंगे काउंट इक्वल टू वन, अब हम बार बार काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे और इसकी टेस्टिंग कंडीशन से चेक कराते रहेंगे जब तक कि ये तीन से ऊपर ना निकल जाए, तीन तक चलेगा ये। अगर इस रेंज में वन टू थ्री तक रेंज में है आपका, तो फॉर के अंदर के जो कॉन्टेंट है वो हमेशा हमेशा चलते रहेंगे। जो बॉडी है फॉर की वो तब तक चलेगी जब तक हम तीन के ऊपर नहीं निकल जाते। जो काउंट है जैसी वो चार पे पहुंचेगा हम बाहर आ जाएंगे, क्योंकि यहां पर हमने काउंट दिया हुआ है काउंट लेस देन इक्वल टू थ्री, तो चार के ऊपर जैसे जाएंगे कंडीशन फेल हो जाएगी, हम बाहर आ जाएंगे। तो फॉर के लूप का अगर हम फ्लो चार्ट के तौर पे दिखाना चाहें तो हम स्टार्ट करेंगे या इनिशियलाइज कर रहे हैं, बात बिल्कुल सेम है, टेस्ट करेंगे, टेस्ट अगर ट्रू है तो बॉडी दिखा के इंक्रीमेंट करेंगे, फिर उसके बाद हम फिर से टेस्ट पे जाएंगे, जहां ये फॉल्स हो जाएगा बाहर आ जाएंगे, अदरवाइज हम इसको चलाते रहेंगे, लूप चलता रहेगा। ये बहुत जरूरी है आपको जानना कि इनिशियलाइजेशन, टेस्टिंग और जो इंक्रीमेंट पार्ट है, ये आप यहां पर एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं फॉर लूप में, क्योंकि फॉर लूप में एक ही लाइन में होता है तो बहुत सारी चीजें डालेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां पर
एक तो इंक्रीमेंट कर रहे थे, अब डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, इनिशियलाइजेशन 10 से करिए, एक एक करके डिक्रीमेंट करके यहाँ पर आईसी चेक कराते रहिए, राइट। आप यहाँ पर आई लेस देन 4 कर रहे हैं, जे इक्वल टू 5 कर रहे हैं, जे इक्वल टू 0 ये भी चलेगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आई इक्वल टू 1 कर रहे हैं, आई लेस देन इक्वल टू 10 कर रहे हैं, यहाँ पर प्रिंट एफ करा दीजिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट। इसके बाद यहाँ पर आप पहले में स्कैन करा दीजिए, आई यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 10 कर दीजिए, यहाँ आई प्लस प्लस कर दीजिए, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 से 10 का हम एक प्रोग्राम लिखते हैं और यहां पर फॉर यूज करेंगे, फॉर लूप। तो देखिएगा 1 से शुरू कर रहे हैं, एक एक करके बढ़ा रहे हैं, हर बार इसको चेक कराएंगे 10 से, ये प्रिंट एफ आई। हमेशा ये जो आई इक्वल टू आई प्लस 1 लिखने की जगह हम क्यों ना इसको आई प्लस प्लस लिख दें, तो आप देखेंगे फॉर लूप जितने भी आगे आने वाले हैं उसमें आई इक्वल टू आई प्लस 1 की जगह आपको आई प्लस प्लस ही मिलेगा, आई प्लस प्लस ही मिलेगा। जो डिफॉल्ट स्कोप है फॉर का वो अगली लाइन है, इसलिए एक लाइन अगर लिखनी है तो फॉर में ब्रेस लगाने की या करली ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब इस लूप को देखिएगा, आपने यहां पर i इक्वल टू 1 किया, i लेस देन इक्वल टू 10 किया, और उसके बाद आपने यहां i इक्वल टू i प्लस 1 लिख दिया, तो इसमें हुआ क्या, इंक्रीमेंट आपने अंदर करा दिया, कोई दिक्कत नहीं। आप इस सेमीकॉलन के बाद बाहर छोड़ दीजिए, खाली छोड़ दीजिए और यहां इंक्रीमेंट कर दीजिए, ऐसी कोई इसमें बंदिश नहीं है कि आप इसको यहां नहीं ले जा सकते। यहां पर आपने क्या किया, पहले वाले को छोड़ दिया, इनिशियलाइजेशन आपने स्टार्टिंग में कर दिया, इसको खाली छोड़ दिया, अगेन कोई बंदिश नहीं है आपके पास कि इसको यहां लिखना ही लिखना है, जरूरी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इसने इनिशियलाइजेशन कर दिया, बाकी आप इंक्रीमेंट और जो चेकिंग कंडीशन वो यहां लिख दीजिए, राइट। ये भी हो सकता है, यहां पर आई इक्वल टू 1 है, यहां पर आपने ये इनिशियलाइजेशन यहां लिख दिया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यहां लिख दिया, केवल आपने सेमीकॉलन के बीच में जो चीज आ रही है, दो सेमीकॉलन के बीच में जो चेकिंग कंडीशन है वो यहां फॉर के अंदर लिख दी, तो भी कोई दिक्कत नहीं। जरूरी नहीं है कि आप ये तीनों चीज लिखें, इसको ऊपर ले जा लीजिए, इसको नीचे ले जा लीजिए। एक और सिचुएशन बनती है आपकी, आपने इनिशियलाइजेशन यहां किया, चेक यहां किया, और यहां पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं दिया। अब बात यह है कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं दिया तो जरूरी थोड़ी ना है कि आप यहां दें, आप यहां पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर दे रहे। आई प्लस प्लस का मतलब क्या है, आई प्लस प्लस का मतलब यही है कि पहले आई चेक होगा 10 से, फिर आई इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो इंक्रीमेंट तो हो ही रहा है, तो ये कंडीशन भी सही है। यहां जरूरी नहीं है हम आई प्लस प्लस यहां लिखें, आई प्लस प्लस लेस देन 10 लिखेंगे तो भी सही है। लेकिन मेरा आपसे डिस्कशन ये है कि हमेशा जो तरीका है, जिस तरीके से फॉर लूप बनाया गया है, जिस तरीके से वो लिखा जाता है, वैसे ही लिखें तो ज्यादा अच्छा है। यहां पर देखें प्लस प्लस आई लेस देन इक्वल टू 10, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि आपने जो प्लस प्लस वाला काम यहां होना था वो आपने यहां लिख दिया। इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो है आई इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद 10 से चेक होगा, बस इतना आपको करना है। लूप्स, इनकी नेस्टिंग हो सकती है, लूप के अंदर लूप, लूप के अंदर लूप, लूप के अंदर लूप, कितने भी लूप डाल सकते हैं आप, ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि आप, ये आपके पूरी तरीके से आपके कार्य पर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। जैसे इफ को हम नेस्ट कर सकते हैं, वाइल और फॉर को भी हम नेस्ट कर सकते हैं। जैसे एक प्रोग्राम देखिए, हमको खासतौर पर जब हम मैट्रिसेस वगैरह की बात करेंगे ना, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस, जहां पर डबल डायमेंशनल चीज आएगी, वहां पर हम लूप्स का बहुत इस्तेमाल करेंगे, नेस्टिंग का बहुत इस्तेमाल करेंगे। आप देखिए, आपके पास ये रो है, कॉलम है, और ये रो जो है 1 से लेकर 3 तक जा रही है, यानी मैं इस तरीके से अगर आपको दिखाऊं, आपकी ये रोज है, कितनी रोज है, 1 से लेकर 3 तक, तो ये आपके 3 रोज हो गई। आपके कॉलम है 1, 2 कॉलम है ना, तो जो इनर लूप है, जो आउटर लूप है, वो आपको रो बताएगा, पहला रो, अंदर फिर इसके अंदर आएंगे ना, तो ये आपको कॉलम बताएगा, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, देखिए पहला कॉलम, दूसरा कॉलम। उसके बाद जब ये पहला दूसरा कॉलम हो गया, ये वाले काम हो गए, उसके बाद दूसरे रूप के लूप, दूसरे रो में जाने के लिए यहां पर फिर से आप बाहर निकल आएंगे, फिर ये 2 पे पहुंच जाएगा। दूसरे रो के बारे में बात करेंगे, दूसरे रो का भी पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, फिर ये जब काम हो गया तो तीसरे रो में, यहाँ पर तीसरे रो पे चले जाएंगे, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम। ये बाहर का लूप है जो आपको रो, एक एक रो की तरफ ले जा रहा है। एक रो के अंदर 2 कॉलम है, तो एक रो के अंदर 2 कॉलम लिखनी पड़ेगी, फिर इस तरीके से दूसरे रो के अंदर 2 कॉलम है, दूसरे रो के अंदर 2 कॉलम लिखनी पड़ेगी। आप यहाँ पर आर और सी को, मतलब रो और कॉलम को ऐड करके जो भी नंबर आएगा उसको यहाँ ऐड करा सकते हैं, दिखा सकते हैं सामने। तो यहाँ पर जैसे ही आप ये वैल्यूज डालेंगे, आप देखेंगे सम आपका आ रहा है, रो और कॉलम जो भी आर और सी वैल्यू आ रही है वो आपको सम करके दिखाई देगा। बाहर वाला लूप और अंदर वाला लूप, बाहर वाला लूप जितने बार एक बार चलेगा, अंदर वाला लूप उतने बार अंदर अपने हिसाब से चलेगा। जैसे एक बार जब ये चलेगा तो ये 2 बार चलेगा, फिर अगली बार जब ये 1 बार चलेगा फिर ये 2 बार चलेगा, क्योंकि यहाँ 1 और 2, मतलब ये 1 रो के लिए 2 कॉलम पे जाएगा, फिर से दूसरे रो के लिए फिर 2 बार कॉलम चलेगा, तो 1
बाहर के एक बार चलने एक बाहर एक बार चलेगा, फिर अंदर वाले दो बार चलेगा, फिर बाहर वाला दूसरी बार यहां पर आएगा, फिर दूसरी बार दूसरा वाला अंदर वाला दोबारा चलेगा दो बार, फिर तीसरी रो में आएंगे, तो यानी कि ये तीन बार चल रहा है, लेकिन हर एक बार हर तीन के एक बार में अंदर वाला दो बार चल रहा है। और इसको हम इंडेंटेशन कहते हैं। इंडेंटेशन मतलब ये है कि आप जो चीज दिखाना चाहते हैं, जैसे आप बताना चाहते हैं, उसको वैसे लिखिए जैसे आप समझते हैं। जैसे अगर बाय चांस मैं इस फॉर को उठा के यहां लिख देता, इसको यहां रख देता, सबको एक लाइन में लिख देता, आपको समझ नहीं आएगा कौन सा फॉर कहां है। इस फॉर के बाद देखिए अगला फॉर यहां आ रहा है, इसके अंदर और फॉर लेना तो यहां लिखिएगा, इसके अंदर और फॉर लेना यहां लिखिएगा। इसी को इंडेंटेशन कहते हैं, फॉर्मेटिंग कहते हैं। ये बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि एक बार प्रोग्राम लिखना जरूरी है, लेकिन उसके बाद उस प्रोग्राम को मेंटेन करना, फॉलोअप करना, किसी और को देना, उसमें चेंज करना, ये बहुत जरूरी है। वो तभी हो पाएगा जब आप प्रोग्राम को समझ पाएंगे एक बार लिखने के बाद, और ये सब तभी संभव हो पाएगा जब आप उसको इस तरीके से लिखेंगे जैसे बताया गया। तो ये फॉर लूप आपने देखा, नेस्टिंग हो सकती है ऐसे, वाइल की भी, वाइल की फॉर के अंदर, फाइल फॉर की वाइल के अंदर, इफ की वाइल के अंदर, वाइल की इफ के अंदर, एल्स के अंदर, कोई भी चीज कहीं भी आप डाल सकते, कोई बंदिश नहीं है, कहीं भी डाल सकते। जो फॉर लूप है उसमें हम मल्टीपल इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे आपने कहा आई इक्वल टू वन, मैं यहां पर आई इक्वल टू वन की जगह जे इक्वल टू वन, साथ में जे इक्वल टू टू भी इनिशियलाइज कर सकता हूं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। आई इक्वल टू वन है, जे इक्वल टू टू है, जे को बढ़ाइए, जो को घटाइए यहां पर, और जे को चेक कराइए, आई भी अपने साथ साथ इंक्रीमेंट वो हो गया, इनिशियलाइज हो गया। तो मल्टीपल आपका इनिशियलाइजेशन पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपको यहाँ कॉमा लगाना होगा। आई आई है, जे है, के है, एल एम एन जितने भी है चाहे आप कर सकते हैं। ऑड लूप, ऑड लूप क्या होता है? एक लूप जो होता है हमने उसको किसी कितने फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम चलाया, लेकिन होता यह है कि हमको कभी कभी रियल लाइफ प्रोग्रामिंग हम जब करेंगे हमको पहले पता ही नहीं होता है कि कितने बार चलाना है। जैसे हमने कहा कि एक से लेकर दस नंबर तक प्रिंट कराना है, तो आपको क्लियर पता है एक से लेकर दस नंबर तक प्रिंट कराना है। आपको एक प्रोग्राम ऐसा मिलेगा कि आपको नंबर प्रिंट कराने हैं, आपको पता नहीं दस कराने हैं, पंद्रह कराने, बीस कराने, कुछ पता ही नहीं आपको। तो ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर आपको बिफोर हैंड पहले भी पता नहीं होगा कि मुझे कितनी कितनी बार अपने लूप को चलाना है। उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? उस सिचुएशन में देखिएगा, एक यहां पर एक लूप है, हम चलाना चाहते हैं अननोन नंबर ऑफ टाइम है, हमें पता नहीं कितना चलेगा। तो हम यहाँ पर कैरेक्टर ले रहे हैं, अनदर एक नंबर ले रहे हैं, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, डू और व्हाइल यूज कर रहे हैं। हम यहाँ पर एंटर अ नंबर करा रहे हैं, इसको नंबर में ले रहे हैं, उसके बाद हम स्क्वायर करा रहे हैं इस नंबर का। ये यदि नम यहाँ आ जाएगा, नंबर का स्क्वायर, नंबर इंटू नंबर यहाँ पर आ जाएगा। अब हमने आगे बोला आपको और करना है क्या, यू वॉन्ट टू एंटर और नंबर डालने हैं? आप यूजर से यस और नो लेंगे। यूजर अगर जो भी देता है वैल्यू, अगर वो यस दे देता है, आप वाइल पे चेक करा रहे हैं, अंदर इक्वल टू वाई, यस इस कैरेक्टर में आप वाई चेक करा रहे हैं, अगर उसने वाई दिया तो आपको चलाना पड़ेगा दोबारा। जब तक यूजर वाई देता रहेगा तब तक ये चलता रहेगा, वाई के अलावा वो कुछ भी देगा बाहर आ जाएंगे। आपने देखा कि ये यूजर के विल पे है, वो एक बार भी चलाना चाहता है, वो सौ बार भी चलाना चाहता है, वो एक बार भी नहीं चलाना चाहता है। लेकिन डू वाइल के अंदर, डू वाइल की खासियत यह है, इस लूप की खासियत यह है कि आप चाहे ना चाहे एक बार कम से कम चलेगा। क्यों? क्योंकि डू के अंदर तो घुस गए ना, ये तो एक बार चलेगा ही चलेगा, वाइल तो यहां चेक हो रहा है, इसलिए इसको एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं। वाइल और फॉर को हम एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं। तो यहां पर आप एंटर करिए नंबर, जब तक आप यस करते रहेंगे आपका ये चलता रहेगा, जहां आप नो कर देंगे आप बाहर आ जाएंगे। बल्कि मैं कहूं नो, क्योंकि वाई को चेक कराया, नो के अलावा कोई भी कैरेक्टर डाल देंगे बाहर आ जाएगा। तो यहां पर डू वाइल में एक फायदा यह है, एक अच्छी बात यह है कि जहां पर अनदर इक्वल टू वाई फेल हुआ तब आप बाहर आएंगे, एक बार कम से कम ये चलेगा, एक बार ये कम से कम चलेगा, जो फॉर और वाइल से नहीं मिलेगा। क्योंकि फॉर और वाइल जो है, फॉर और वाइल में सबसे पहले कंडीशन चेक हो जाती है, अगर पहली बार में कंडीशन फेल हो गई आप एंटर ही नहीं कर पाएंगे। एक और लूप देखिए, फॉर लूप फॉर के साथ कैसे चलेगा, इसी को हम फॉर के साथ देखते हैं ऑड लूप को। ऑड लूप जहां हमको बिफोर हैंड पता नहीं होता है कि हमको इसको कितने बार चलाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर एक कैरेक्टर वाई से इनिशियलाइज कर देते हैं, नंबर लेंगे। यहां पर हमने फॉर लूप दिया, ना लेफ्ट में कुछ दिया ना राइट में कुछ दिया, बस अनदर इक्वल टू वाई दे दिया। जैसे हमने क्योंकि इनिशियलाइजेशन तो कर चुके हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, यहां पर आपने अनदर इक्वल टू वाई किया और यहां पर भी कुछ नहीं दिया, ये इन ऑल फॉर का काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि फॉर का जो हम काम लेना चाहते हैं वो तो कर नहीं रहा है। बस एक तरीका आपको बताना चाह रहे हैं कि फॉर से भी सारे प्रोग्राम बन सकते हैं,
थोड़ी सी तिकड़म, थोड़ी सी ऐसी चीज अपनानी पड़ेगी जिससे वो चल जाए, अदरवाइज फॉर का कोई काम नहीं हो रहा है, ना इंक्रीमेंट हो रहा है ना चेकिंग हो रही है। ओके, अब यहां पर आप चेकिंग यहां पर हो रही है, इनिशियलाइजेशन और आप ये इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट नहीं कर रहे, चेकिंग जरूर हो रही है क्योंकि अनदर इक्वल टू वाई, जब ये डबल इज इक्वल टू आ गया ना तो चेकिंग हो रही है। तो नंबर एंटर कराएंगे, नंबर में डालेंगे, नंबर और नंबर का स्क्वायर दिखा देंगे, उसके बाद यूजर से पूछेंगे क्यों साहब और बार और एक बार और चलाना चाहते हैं। यूजर करेगा हाँ मैं चलाना चाहता हूँ, आप इसको ये लेंगे फिर से चले जाएंगे क्योंकि अनदर इक्वल टू वाई चेक हो गया। फिर उसके बाद आप कहेंगे चलता रहेगा बोलेंगे साहब चलाना चाहते हैं, यूजर थक जाएगा बोलेगा नहीं नहीं चलाना चाहते, वो एंड डाल देगा, अनदर इक्वल टू वाई से मिसमैच हो जाएगा, आप बाहर आ जाएंगे यहाँ पर। अब वाइल का कैसे करेंगे, ऑड लूप यूज करते कर हम यूज करेंगे और ऑड लूप चलाएंगे। ऑड लूप का मतलब ये होता है कि बिफोर हैंड हमें पता ही नहीं कितनी बार चलाना है, तो हम क्या करते हैं यहाँ इनिशियलाइज कर देते हैं अनदर इक्वल टू वाई। वाइल के लिए इनिशियलाइजेशन जरूरी है, वाइल के लिए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जरूरी है, वाइल के लिए चेकिंग कंडीशन जरूरी है। लेकिन जो मैंने कहा था इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फॉर में भी देखा अभी हमने, वाइल में भी देखा, कोई जरूरी नहीं है, छोड़ सकते हैं आप उसको। देखिए कैसे, हमने इनिशियलाइजेशन दे दिया, ये चेकिंग कर ली, कहीं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो है ही नहीं। ओके, तो हम इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं इसको, फिर उसके बाद चेक करा रहे हैं क्या ये यस है, क्योंकि पहली बार में हमने यस दे दिया तो ये एंटर कर जाएगा। हम नंबर बोलेंगे, नंबर का स्क्वायर दिखा देंगे, फिर बोलेंगे साहब आप और नंबर का स्क्वायर दिखना चाहते हैं, यूजर बोलेगा हाँ यस, तो ये चेक हो जाएगा। जैसे यूजर यस डालेगा ये इससे चेक हो जाएगा, बोलेंगे हाँ ठीक है एंटर कर लीजिए। उसके बाद जब तक यस यस करता रहेगा हम इस लाइन को चलाते रहेंगे, बार बार उसे एंट्री लेते रहेंगे। एक बार वो एंटर कर दे या वाई के अलावा कुछ भी एंटर कर दे, आप बाहर आ जाए। ब्रेक स्टेटमेंट, अब देखे हमने ये बात की कि आपकी गाड़ी चल रही है, आपकी कार है, आप कार यहां से लेकर सौ मान लीजिए दिल्ली से लेकर मेरठ तक ले जा रहे हैं, अब बीच में ट्रैफिक जाम आ गया, आपके सामने गाय आ गई, क्या करेंगे आप, गाड़ी में ब्रेक तो होना चाहिए ना। इसी तरीके से जो लूप है आपका, लूप लूपिंग कंस्ट्रक्ट में ब्रेक तो होना चाहिए। आप ये कहेंगे कि सामने देखिए मैं दिल्ली से मेरठ जा रहा हूं, लेकिन बीच में जो मुरादनगर है या जो भी कोई जगह, मैं कोई भी नाम ले सकता हूं, आप उसको फिजिकली मत वो करिएगा, एक एग्जांपल दे रहा हूं, अरे यहां पर ना थोड़ा सा ट्रैफिक जाम हो गया, यहां ट्रक पलट गया, मुझे दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा, तो मेरा जो प्री स्पेसिफाइड पाथ है उसको मैं छोड़ूंगा, कहीं और से जाऊंगा, उसे कहते हैं कंटिन्यू। उस पार्ट को छोड़ के, कुछ पार्ट को छोड़ के मैं आगे बढ़ना चाहूंगा तो उसे कहते हैं कंटिन्यू। ब्रेक मतलब मैं बीच में ब्रेक लगाना चाहता हूं। अगर मेरा ये काम बन गया, मैं एक साहब से मिलना चाहता हूं, या मान लीजिए मैं अपने यहाँ घर से लेकर थोड़ा मार्केट तक गया, मुझे मान लीजिए रैपिंग पेपर लेना है, मुझे पता नहीं कहाँ मिलता है, मैं आगे बढ़ता गया, जैसे मुझे एक दुकान मिल गई, मैं वहां रुक गया, मैंने रैपिंग पेपर ले लिया, मैं वापस आ गया। मेरा यह था कि मैं यहां से लेकर क्लॉक टावर तक जाऊंगा, है ना, तो बीच में ब्रेक कर गया, जब मेरा काम हो गया तो ब्रेक कर गया, यही ब्रेक स्टेटमेंट होता है। तो हो क्या रहा है इसमें, ब्रेक मतलब आप किसी जगह पे बाहर आना चाहते हैं लूप से, क्योंकि लूप तो चलता चला जा रहा है, कंडीशन भी मीट नहीं हुई, लेकिन ऐसी चीज जहां पर आप ब्रेक करना चाहते हैं वो पॉसिबल है। मैं एग्जांपल से समझाता हूं, एक प्रोग्राम हमको लिखना है कि वेदर नंबर इज प्राइम और नॉट। प्राइम नंबर क्या होता है, दो को छोड़ के, दो वैसे प्राइम है, उसके अलावा जो भी प्राइम नंबर होते हैं वो या तो खुद से डिविजिबल होते हैं या वन से डिविजिबल होते हैं। तो प्राइम नंबर डिविजिबल बाय वन और इटसेल्फ, इसके लिए हम क्या करेंगे, दो तो प्राइम होता है, बाकी को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। यदि डिवीजन जीरो आ जाता है तो हम कहेंगे कि भाई ये नंबर तो प्राइम नहीं है। यदि कोई डिवीजन नहीं हो पाता है, उसी नंबर से डिवाइड हो पाता है, तो हम कहेंगे कि ये प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का मतलब ये होता है कि वो नंबर या तो खुद से डिवाइड होगा या वन से डिवाइड होगा, बाकी और किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, नंबर एंटर कराया, एनयूएम में नंबर ले लिया, हमने आई इक्वल टू टू से शुरू किया और हमने कहा आई लेस देन इक्वल टू नंबर माइनस वन। उस नंबर तक जाएंगे हम जो नंबर एंटर किया गया है, दो से लेकर मान लीजिए किसी ने सात एंटर किया तो दो तीन चार पांच छह तक जाएंगे। ऐसी अगर किसी ने 77 कर दिया तो दो से लेकर पूरा करते करते 77 76 यहां तक चले जाएंगे। उन नंबर से हर एक जो वैल्यू आई है आई, इसको हम बढ़ाते रहेंगे और उस नंबर का मॉड्यूलो लेते रहेंगे। लेकिन जैसे ये मॉड्यूलो मतलब यहां से लेकर यहां तक सारे नंबर को हम इससे डिवाइड कर देंगे। अगर 77 के अलावा किसी और से ये डिवाइड हो जाता है, क्योंकि 77 केवल एक से डिवाइड होगा या 77 एक से डिवाइड होगा
ये अपने आप से डिवाइड होगा तभी ये प्राइम कहलाएगा। लेकिन 77 क्या है, 77 तो 11 से भी डिवाइड हो रहा है, 7 से भी डिवाइड हो रहा है, तो जहां 7 इसको मिलेगा यही ये डिवाइड हो जाएगा, उसी पल हम बाहर आना चाहते हैं साहब ये प्राइम नंबर नहीं है, ये तो 7 से डिवाइड हो गया तो बस हम यहां बाहर आ जाएंगे। ठीक, उसके बाद हम यहां पर बोल देंगे जैसे कि आई इक्वल टू नंबर ये प्राइम, अगर अगर यहां बाहर आ गए तो ठीक है, जब हम बाहर नहीं आए, अगर हम बाहर नहीं आए और हम इस आई को लेते 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 77 तक पहुंच गए, कोई ऐसा नंबर नहीं मिला जिस जो 77 को डिवाइड कर पाए, तो 77 तक पहुंच जाएंगे। 77 तक पहुंच के जब अगर हम पहुंच गए और आई हमें 77 तक मिल गया तो हम कहेंगे साहब ये तो प्राइम नंबर है, ये किसी से डिवाइड ही नहीं हो रहा। तो ये मॉड्यूलो जो है ये हमको बता रहा है कि हमको रिमाइंडर क्या आने वाला है, और व्हाइल लूप में हमने चेक कर लिया कि ये क्या है अपना प्राइम है कि नहीं है। तो मेन मुद्दा इसमें व्हाइल और डू व्हाइल समझने का नहीं है, वो है ब्रेक का। अगर आपके पास 7 पे जैसे मैंने कहा 77 जो है वो 7 से भी डिवाइड हो रहा है, 11 से भी डिवाइड हो रहा है, तो हम 2 से शुरू करेंगे, 2, 3, 4 ऐसे करके आगे बढ़ते चले जाएंगे, 7 पे डिवाइड हो गया तो 7 के आगे क्यों बढ़ना है, इसको तो बढ़ना ही नहीं है ना। जैसे मैंने कहा आपका काम यही हो गया तो इसमें बढ़ना नहीं है, तो ब्रेक कर लीजिए, तो ये ब्रेक कर लेगा। ब्रेक मतलब जो होता है ब्रेक हमेशा इनर लूप से आपको बाहर ले आता है। तो ये बाहर क्यों आ गया, क्योंकि हमने ये देख लिया कि नंबर प्राइम नहीं, जो लूप बाहर आ गया, क्योंकि अगर लूप उस जगह पे बाहर आया कि आपने डिवाइड करने की कोशिश की वो किसी से डिवाइड ही नहीं हुआ, तब आप कहेंगे कि ये नंबर वाकई में प्राइम है। और हम 2 से लेकर नंबर -1 तक गए, हमने डिवाइड किया नहीं मिला, हमने कहा प्राइम नंबर है। कोई नंबर ऐसा मिल गया जिससे उसका मॉड्यूलो या डिवीजन हो गया है या मॉड्यूलो इसका 0 आ गया, तो आप कहेंगे ये प्राइम नंबर नहीं। जो कीवर्ड ब्रेक है ये आपका कंट्रोल ब्रेक कर रहा है। एक देखिए, आपने कहा आई इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 1, आपने कहा कि वाइल आई प्लस प्लस लेस देन इक्वल टू 10, वाइल जे प्लस प्लस लेस देन इक्वल टू 20, अगर जे 150 हो जाए तो ब्रेक कर दीजिए। तो जे तो 150 हो गई ना, जे प्लस प्लस करते रहेंगे आप, जे आपने कहा ये जे है बढ़ा भी रहे और 200 से कम, तो जे तो 1 से लेकर 150 तक पहुंचेगा, जैसे 150 तक पहुंचेगा आप बाहर आ जाएंगे, राइट। तो ये आपको बाहर निकाल रहा है। तो इस प्रोग्राम में जैसे जे 150 तक पहुंचेगा, जो कंट्रोल है ब्रेक क्या करेगा, इट टेक्स द कंट्रोल आउटसाइड द इनर व्हाइल लूप ओनली, इस इनर व्हाइल लूप से, इस इनर वाले से यहां से यहां तक, इससे वो बाहर आ जाएगा क्योंकि ये इनर में दिया हुआ है। जिस भी लूप के अंदर ब्रेक दिया है ना, मान लीजिए ये ब्रेक है, यहां पर ब्रेक है, या ब्रेक आपको इससे बाहर ले जाएगा, बस इनर लूप से बाहर ले जाएगा। कंटिन्यू स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, आप मान लीजिए 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कराना चाहते हैं, आपने कहा नहीं मैं 5 और 6 प्रिंट नहीं कराऊंगा, तो कैसे करेंगे, लूप तो 1 से लेकर 10 तक चलेगा, 5 और 6 को कैसे स्किप करेंगे। कंटिन्यू ये काम करता है, अगर कुछ लूपिंग में 1-2 चीजें आपको स्किप करनी है तो आप कंटिन्यू यूज करेंगे। तो ये कंटिन्यू कैसे काम करेगा, कंटिन्यू हम इफ के साथ यूजुअली एसोसिएट करते हैं। एग्जांपल समझाता हूं आपको, जैसे आपने कहा आई जे, यहां पर कहा आई वन आई लेस देन इक्वल टू 2, जे वन जे लेस देन इक्वल टू 2, यदि आई और जे बराबर हो जाए तो कंटिन्यू, मतलब आप प्रिंट तभी कराएंगे आई और जे जब ये अलग अलग होंगे। जैसे आई और जे बराबर हो जाएंगे आप कहते हैं हमें ये प्रिंट नहीं कराना, जैसे जब 1-1 आएगा, 1-2 आएगा, 1-1 आएगा और 2-2 आएगा, तब प्रिंट नहीं कराना। तो आपने क्या किया, यहां पर कंटिन्यू करा दिया, यानी कि आपका लूप भी ब्रेक नहीं हुआ, बस आप इस लाइन को प्रिंट नहीं कराना चाहते, मतलब इस कंटिन्यू के बाद जितनी भी लाइनें होंगी वो सब रह जाएंगी, ये कंटिन्यू आपको सीधा इस लूप के द्वारा ले जाएगा, बस इतना करना है। तो जो आउटपुट इस तरीके से आएगा 1-2-2-1, 1-1-2-2 नहीं आएगा, जहां पर ये इनर होगा वहां नहीं आएगा। अब डू व्हाइल लूप के बारे में बात करते हैं। डू व्हाइल लूप क्या करता है, ये डू है ये व्हाइल है। डू में भी एक ही यही चीज होती है कि डू में सबसे पहले इनिशियलाइजेशन कंडीशन होती है, अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, यहां पर कंडीशन चेक होता है। बस इसमें एक चीज ये है व्हाइल और डू व्हाइल में कि ये डू में के अंदर घुसते ही एक बार कम से कम चलेगा, एटलीस्ट एक बार चलेगा, बस इतना समझना है आपको। स्टार्ट करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे, बॉडी ऑफ लूप इंक्रीमेंट, यहां पर चेकिंग नहीं हो रही है, बस चेकिंग यहां हो रही है, इसलिए इसको कहते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। जो आपके व्हाइल और फॉर देखे वो एंट्री कंट्रोल लूप है, कम से कम एक बार तो इसको ये चलाएगा ही चलाएगा, मिनिमम एक बार। अगर कंडीशन फेल भी है तो कंडीशन तो क्योंकि यहां चेक हो रही है ना, ये दोनों तो चली जाएंगे, बस ये है डू व्हाइल में अंतर के लिए इतना ही। तो हम क्या करें, देखिए यहां पर हमने एक मेन किया व्हाइल फोर इज लेस देन वन, जो डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूं डू व्हाइल और व्हाइल में,
while 4 is less than 1, hello there. 4 क्या less than 1 है? 1 क्या 4 से बड़ा है? नहीं, hello there एक बार भी नहीं आएगा. लेकिन यहीं पे अगर इसको do while से करें, do while 4 less than 1, तो do के अंदर घुसे hello there एक बार ये दिखा देगा, print करा देगा, उसके बाद ये checking हो रही है condition की 4 less than 1, अब ये condition fail हुई, तब ये बाहर आएगा. लेकिन एक बार तो चला ही गया ना, यानी do while कम से कम एक बार run करेगा. कभी आप ऐसी कंडीशन जैसे आप यूजर से मांगना चाहते हैं कि आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक एंट्री दिया आपने और बोलते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं, यस नो करिए, ऐसी सिचुएशन में हम हमेशा डू व्हाइल का उपयोग करते हैं. ऐसी भी हमारे पास सिचुएशंस आती हैं, कम से कम एक बार हम चलाना चाहें उसी के लिए हम वो करते हैं. और हमने देखा कि हम बीच में ब्रेक भी कर सकते हैं, कंटिन्यू भी कर सकते हैं, तो डू व्हाइल में भी आप ब्रेक और कंटिन्यू लगा सकते हैं. समराइज करते हैं, तीन टाइप के लूप हमने देखे, फॉर वाइल और डू वाइल, बहुत तफसील से देखे. ब्रेक क्या करता है, इनर मोस्ट जो कंट्रोल लूप है उसे बाहर ले आता है. कंटिन्यू क्या करता है, कुछ आपके लूप जैसे एक से लेकर 100 तक चल रहा है, आप कहते हैं 10 20 ऐसे नंबर नहीं दिखाने, तो जहां 10 या 20 इस तरीके से आएंगे वहां आप कंटिन्यू कर दीजिए, वो नहीं दिखाएंगे, वो आपको स्टार्टिंग में लूप ले जाएगा. कंटिन्यू के बाद की जितनी भी लाइनें आपने लिखी वो सब एग्जीक्यूट नहीं होगी. डू वाइल इसलिए यूज होता है कि कम से कम हम एक बार जो कॉन्टेंट है उसको एग्जीक्यूट करा सके. प्लस प्लस ऑपरेटर इंक्रीमेंट करता है जो भी आप इसके आगे ऑपरेटर देंगे, माइनस माइनस डिक्रीमेंट करता है, इसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं, इसको डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं. ये जो प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस इनटू इज इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉड्यूलो इक्वल टू, इसको हम कहते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर या शॉर्ट हैंड ऑपरेटर. तो ये बात हुई आपके लूप स्ट्रक्चर्स की, होपफुली लूप आपको बहुत क्लियर हो गए होंगे. अब बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की.